उसे पहले बांधा गया, एक आयरन पाइप से ब्रूटली मारा गया। जब लोग उसके पास पहुंचे तब तक उसका पूरा शरीर खून से सना हुआ था। हेड पे बुरी तरीके से मारा गया था, एक आंख तक फोड़ दिया गया था। शरीर के 20 से ज़्यादा जगह पर सीरियस इंजुरी थे, पर इसके बारे में हम सब नहीं जानते हैं। क्यों पता है आपको? क्योंकि वो एक इंसान नहीं था, पर उसके साथ ये सारे कुछ करने वाले सो कॉल्ड इंटेलिजेंट ब्रीड इंसान ही थे। और जिसकी ये हालत हुई थी वो एक डोंकी था जिसका नाम था भीरू। उसे मारा गया बदला लेने के लिए, पर उससे नहीं, उसके मालिक से। क्या इंसानियत इस हद तक गिर सकती है? बस यही एक कहानी नहीं है, हजारों ऐसी सच्ची घटनाएं हैं, ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको हम सुन के भी अनसुना कर देते हैं। पता है मुझे ये वीडियो आप आधे से छोड़ कर चले जाएंगे, पर मैं बोलूं, एक मंकी को बांध कर मरने तक मारा गया, एक स्ट्रीट डॉग को मारा गया, स्कूटर के साथ बांध कर घसीटा गया। उस इंसान को तब भी खुशी नहीं मिली तो उसे एक दो माले के बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया गया। ये सारी चीजें हमारे आसपास ही होती है, पर हम देख के भी अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि ये इंसान नहीं है। इन जानवरों की कोई कीमत ही नहीं है हमारी लाइफ में। 2400 ऐसे केसेस में से सिर्फ 5 केसेस को ही क्राइम के अंडर रजिस्टर किया जाता है। और हद से ज्यादा बुरी बात यह होती है कि जब भी ऐसी कोई ब्रुटालिटी होती है हम इसको लेके पॉलिटिक्स करते हैं, एक दूसरे के धर्म को गाली देते हैं, पर इसके ऊपर कोई स्टेप्स ही नहीं लेते। इसके ऊपर कभी हम आवाज ही नहीं उठाते, इसके ऊपर कभी हम डिस्कस ही नहीं करते, पर हमें आवाज उठानी पड़ेगी। और इसीलिए प्लीज इस वीडियो को हर एक जगह पर शेयर करें ताकि एनिमल ब्रुटालिटी के इशू को भी लोग सीरियसली लें और इसके ऊपर भी एक पॉजिटिव डिस्कशन शुरू हो सके। एनिमल ब्रुटालिटी हद से ज़्यादा बढ़ गई है, पर इस इशू को समझने के लिए हमारे पास ज़्यादा रिसोर्स भी नहीं है, क्योंकि NCRB के अंदर भी इसको लेके कोई रिपोर्ट मौजूद ही नहीं है। पर एक रिसर्च की माने तो पिछले 10 साल में एनिमल ब्रुटालिटी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसके ऊपर हमें सोचनी पड़ेगी। 720 केसेस अगेंस्ट स्ट्रीट एनिमल, 740 से ज़्यादा वर्किंग एनिमल के ऊपर ब्रुटालिटी दिखाया गया है, 580 से ज्यादा कंपेनियन एनिमल और 258 से ज्यादा वाइल्ड बर्ड और एनिमल के ऊपर ऐसे क्रुएल्टी दिखाया गया है। और आप लोग जानकर हैरान हो जाएंगे, 1000 से ज्यादा ऐसे केसेस पाए गए हैं जहां पर एनिमल्स के ऊपर ब्रूटली एसोल्ट किया गया है, 80 से ज्यादा ऐसे केसेस में एनिमल्स के ऊपर सेक्सुअली एसोल्ट किया गया है, 260 से ज्यादा ऐसे केसेस पाए गए हैं जहां पर कोल्ड ब्लडेड मर्डर किए गए हैं। और इंसानियत की हद तो तब पार हो जाती है जब 400 से ज्यादा ऐसे केसेस मिलते हैं जहां पर एनिमल्स को बीटिंग, किकिंग, टॉर्चरिंग और उनके ऊपर एसिड और बॉयल वाटर तक डालकर उनके बॉडी को जलाया गया है। 20 से ज्यादा ऐसे केसेस भी पाए गए हैं जहां पर चिल्ड्रंस के द्वारा एनिमल के ऊपर अटैक किया जाता है। ये सारे नंबर्स को जानने के बाद क्या हमारे मन में ये सवाल नहीं बनता है, वो सच में एनिमल है या फिर हम? वो सच में आदम खोर है या फिर हम? पर क्या ये सारी एनिमल ब्रुटालिटी को रोकने के लिए इंडिया में कोई कानून बना नहीं है? हाँ बना है ना, 50 रुपए का फाइन और जेल जाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। 1960 से वही कानून चला आ रहा है, पर क्या ये सही है? इसे बदलना नहीं चाहिए? इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी नहीं चाहिए? पर शायद जल्द ही एक कानून आ सकता है जहां पर 750 से लेके 75,000 तक का फाइन का प्रावधान रहेगा और 5 साल की जेल तक हो सकती है। पर ये कानून कब तक आएगा सरकार को ही पता है, पर मेरे हिसाब से जल्द ही इसके ऊपर कानून लानी चाहिए। इसके बाद हम खुद से एक सवाल पूछ सकते हैं कि हम इस सारी एनिमल ब्रुटालिटी को रोक नहीं सकते? हाँ जरूर रोक सकते हैं, क्योंकि ये हमारे चारों ओर ही होता रहता है। बस हमें इसे देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। हम इंसान इतने गिर गए हैं, हम अपने घर के लिए एक पेट लाते हैं, उस पेट को तब तक केयर करते हैं जब तक वो क्यूट दिखता है, हम उसका ख्याल तब तक रखते हैं जब तक वो सेल्फी लेने लायक रहता है, पर जब वो
एक बार बूढ़ा हो जाता है, उसके ऊपर कोई बीमारी आ जाता है या फिर बाई चांस उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जब उसको हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब हम उसे छोड़ देते हैं। क्या इंसान इतना सेल्फिश हो चुका है जो एनिमल, जो पेट उसे अपनी पूरी लाइफ प्यार देता है, उसी पेट की जरूरत के समय वो इंसान उसे छोड़ देता है? पर हमें बदलना पड़ेगा, हमें इन एनिमल ब्रुटालिटी के ऊपर आवाज उठानी पड़ेगी। अपने आसपास हमें एनिमल्स को देखना होगा जो पेट्स के ऊपर उनकी मालिक ब्रुटालिटी करते हैं, उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करना होगा या फिर एनिमल वेलफेयर एनजीओज में रिपोर्ट करना पड़ेगा। उसी से ये एनिमल ब्रुटालिटी कम हो सकती है, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ इंसान को ही जीने का हक नहीं है, ये दुनिया इंसान का जितना है एनिमल्स का भी उतना ही है। और अगर आज का ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी सेंसिबल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को हर एक जगह पर शेयर करें, ताकि लोग एनिमल ब्रुटालिटी को भी सीरियसली लें और इसके ऊपर एक पॉजिटिव डिस्कशन शुरू हो सके।